तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के नए कोविड 19 हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही सीएम ने BSL-3 लैब, गेस्ट हाउस और 100 सीटेड बॉयज हॉस्टल का भी लोकार्पण किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक 200 बेड का कोविड अस्पताल पहले से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक अलग 300 बेड का कोविड अस्पताल का निर्माण किया है। इसमें 200 बेड का लेवल 2 वार्ड है। इसके अलावा 100 बेड के वेंटिलेटर यूनिट हैं, जिसमें गंभीर मरीजों का इलाज होगा। इसका संचालन शुरू होने के साथ ही बीआरडी में कोरोना वार्ड के बेड की संख्या 500 हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने के लोकार्पण के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड 19 महामारी की शुरुआत के समय उत्तर प्रदेश में कोरोना जांच की कोई लैब नहीं थी। पहले लैब लखनऊ के KGMC में स्थापित की गई थी, जहां सिर्फ 72 नमूनों की जांच प्रतिदिन हो पाती थी। आज प्रदेश में 155,000 नमूनों की जाँच प्रतिदिन हो रही है। प्रदेश में 3 तरह से कोरोना की जाँच हो रही है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में 300 बेड के नए कोविड 19 हॉस्पिटल के साथ ही BSL-3 लैब का भी लोकार्पण किया गया। ये प्रदेश में इस तरह की पहली लैब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के मरीजों को किसी भी कीमत पर बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कोरोना के अधिक से अधिक नमूनों की जांच, डोर टू डोर सर्वे और इलाज के जरिए संक्रमण की चेन को तोड़ने का संकल्प दोहराया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह सरकार ने इंसेफ्लाइटिस पर काबू पाया है, उसी तरह कोरोना को भी काबू में लाया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने बीआरडी में गेस्ट हाउस और 100 सीटेड बॉयज हॉस्टल का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी आवश्यक थी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने के साथ सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, मेयर सीताराम जायसवाल, मंडलायुक्त जैन नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, SSP जोगिंदर कुमार, CMO श्रीकांत तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप लोग थोड़ा देखिए, गोरखपुर का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, ये दूसरा 300 बेड का यह नया कोविड हॉस्पिटल आज यहाँ पे लोकार्पित हुआ है। कोरोना के साथ ही गोरखपुर में हम लोगों ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को जो 200 बेड का था उसको कोविड हॉस्पिटल के रूप में यहाँ बनाया था। यह गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी का लेवल 3 का एकमात्र कोविड हॉस्पिटल था। आज हम इसे यहाँ पर 300 बेड और दे रहे हैं, इसका लोकार्पण किया है। शुरुआत में गोरखपुर में केवल एक यहाँ पर शुरुआत में केवल एक ही यहाँ पर सुविधा थी, मात्र 200 बेडेड का जो हॉस्पिटल था उसमें 20 बेड ही ICU के थे। उसको धीरे धीरे करके बढ़ा करके 70 बेड ICU के किए गए। शेष 130 बेड आइसोलेशन बेड यहाँ पर पहले से थे।
आज यहाँ पर 100 बेड हम आईसीयू के देने जा रहे हैं और 200 आइसोलेशन बेड यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार से काफ़ी गुना वृद्धि हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल में बेड्स की है। अब गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी से जुड़े हुए लोगों को और आसपास के लोगों को कोविड हॉस्पिटल में बेड्स की कमी नहीं पड़ेगी, या जो सुविधा दी जा रही है। दूसरा, यहाँ पर BSL 3 लैब, ये किसी भी मेडिकल कॉलेज की पहली लैब है Level 3 की, जो आज BRD मेडिकल कॉलेज में हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना आगमन के साथ प्रदेश में हमारे पास कोविड जांच की कोई लैब नहीं थी। पहली लैब हमने KGMU में प्रारंभ की थी, केवल भारत सरकार के सहयोग से केवल 72 टेस्ट उसमें होते थे। इसके बाद हम लोगों ने ट्रूनेट मशीन से जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, इसके बाद एंटीजन किट से इस जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई। 3 प्रकार की जांचें चल रही हैं। 72 टेस्ट से आज हम लोग प्रतिदिन 1,55,000 टेस्ट तक पहुंच चुके हैं। कल प्रदेश में 1,55,000 टेस्ट भी हुए हैं। अधिक से अधिक टेस्ट बढ़ाना, कोरोना संक्रमण को रोकना और हरेक हाल में डोर टू डोर सर्वे, सस्पेक्टेड केस का कोविड जांच कराना, हर कोविड जांच के बाद उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से लोगों को सुविधा दे करके किसी भी स्थिति में कोरोना के संक्रमण की चेन को रोकना, इस उद्देश्य से ये कार्य चल रहा है। BRD मेडिकल कॉलेज में आज एक साथ 4 चीज़ें, कोविड 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल, BSL 3 लैब, एक गेस्ट हाउस और 100 बेड का एक PG हॉस्टल एक साथ लोकार्पित हुआ है। ये न केवल यहाँ के जितने भी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन सब के लिए, बल्कि यहाँ आने वाले जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं या अन्य अतिथिगण हैं उन सब के लिए भी, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहने वाले जो चिकित्सक हैं, पैरामेडिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए भी ये सुविधाजनक रहेगा। प्रदेश में कोविड कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। मैंने पिछली बार भी जिस बात को कहा था कि जैसे हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई को हम मजबूती से लड़े थे, लगभग 95% मौत के आंकड़ों को हम लोग नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई, ऐसे ही कोरोना के खिलाफ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की लड़ाई में उत्तर प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। आज से जो यहाँ पर कोविड के अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध कराए गए हैं, इसमें HFNC और वेंटिलेटर YCU में दोनों दिए जा रहे हैं। वेंटिलेटर डेगर के साथ साथ बेल के भी दिए जा रहे हैं। बेल के वेंटिलेटर में सुविधा है कि वह HFNC मोड में भी चलता है। पूरी दुनिया के अंदर HFNC का जो रिजल्ट रहा है बहुत बेहतर रहा है, और उस दिशा हम लोगों ने अभी 50 HFNC यहाँ पर स्पेशल इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाए हैं। और भी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को इसकी सुविधा देंगे। मैं इस अवसर पर यहाँ के अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की जनता को मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि हम कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।